वो ज़ार और तिर्मिज़ी में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद से नबी अकरम का यह इरशाद नकल हुआ है, इन्नल मरअता औरतुन, औरत छुपा कर रखने की चीज है। इन्नल मरअता औरतुन फैजा खरजत, जब वो घर से निकलती है, इस तशरफ शैतान, अब शैतान जो है उसको ताक में रखता है। वाकब रोहत रब वही अफीकार बैतहा, वो अपने रब की रहमत से करीब तरीन होती है जबकि अपने घर के भी किसी अंदरूनी हिस्से। इसीलिए फरमाया मर्दों के लिए मस्जिद में नमाज अफसल 28 गुना और औरत के लिए घर की नमाज मस्जिद से अफसल, घर के सहन की मस्जिद से अफसल, दालान की सहन से अफसल, कमरे में उससे अफसल, और कमरे की को बगली कोठड़ी है तो उसमें सबसे अफसल। यह अहादीस है नबी अकरम। अब्दुल्लाह इब्ने अहमद इब्ने हंबल ने ज़वाइद उज़्ज़ोहद में और इब्ने अबी शैबा ने इब्ने साद ने अपनी किताबों में मसरूख की रिवायत नकल की है कि हजरत आयशा जब तिलावत कुरान करते हुए इस आयत पर पहुंचती थी वकर नफी बुयूत कुल्ला तो बेख्तियार रो पड़ती थी। कुरान कहते अपने घरों में रहो। हजरत आयशा ने शहादत उस्मान के बाद बाहर निकलकर लश्कर की तैयारी की, फिर सारी उम्र अफसोस था कि मैंने गलत कहा। हाफिज अबू बकर बुज़ार हजरत अवस से रिवायत करते हैं कि औरतों ने हुजूर से अर्ज किया कि सारी फजीलत तो मर्द लूट के ले गए, वो जिहाद करते हैं, खुदा की राह में बड़े बड़े काम करते हैं, हम क्या अमल करें कि हमें भी मुजाहिदीन के बराबर अजर मिल सके। जवाब में आपने फरमाया मन कादत मिन कुन फी बैतहा फइन्हा तदरकु अमल अल मुजाहिदीन, तुम में से जो शख्स अपने घर में बैठी रहेगी वो मुजाहिदीन का अजर हासिल कर। ये एक हवा का रुख है बताया जा रहा है, ये निजाम है जिसको इस शक्ल में दिया जा रहा है। अब आइए सूरह नूर की तरफ। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तुदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतकुम हत्ता तस्तानिसु व तुसल्लिमु अला अहलिहा ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून। अहले ईमान मत हरगिज़ मत दाखिल हो अपने घरों के अलावा किसी और घर में जब तक के तुम उनके साथ मानूस ना हो जाओ, इज़्ज़त ना ले लो, उन पर सलाम ना करो, यही तुम्हारे लिए खैर बेहतर है। उसके बाद तफसील आई है, उसमें मैं इस वक्त नहीं जा रहा। और जो लोग इस पर अमल नहीं करते उनके बारे में कुरान मजीद क्या कुछ हुजूर क्या कुछ फरमा रहे हैं ये आप सुन लीजिए, बहुत सख्त आकाम। अन अबी हुरैरा था रज़ी अल्लाह अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال لو نمرا اطلع عليك بغير اذن فخذفته بحصات ففقعت عينه ما كان عليك من جناح متفق عليه بخاری اور مسلم دونوں کی ہے۔ अगर कोई शख्स तुम्हारे घर में बगैर इजाजत के दाखिल हो जाए और तुम उसकी सजा के तौर पर उस पर कंकरियां फेंको और उसकी आंख फूट जाए कंकरी से तो तुम पर कोई गुनाह नहीं। बगैर इजाजत के घर में आ गया है, बगैर इज्न के, बगैर इस्तेज़ान के कंकरियां मारो और कंकरी से आंख फूट जाए, फमा कान अलैका मिन जुनाह, कोई हर्ज नहीं। अब आ रही है असल आयत। قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ مَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَا يَظْهَرُونَ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون। ये लंबी आयत है। अहले ईमान ऐ नबी कह दीजिए अहले ईमान मर्दों से अपनी निगाहें नीची रखा करें
और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, यही उनके लिए ज्यादा पाकीज़ा अमल है। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नउन, और जो कुछ वो कर रहे हैं अल्लाह उससे वाकिफ है। वकुल लिलमुमिनात यग़ुद्दुन्ना मिन अबसारिहिन्न, और मोमिन औरतों से भी कह दीजिए कि वो अपनी निगाहें जो है नीची रखा करें। वयहफ़ज़्ना फुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, और अपनी जीनत को जाहिर ना किया करें सिवाय उसके के जो बिल्कुल जाहिर हो जाए। कुल लिलमुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम वयहफ़ज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। नोट कर लीजिए कि यह कहां हो रहा है, घर में दाखिले के बाद, घर में दाखिला इजाजत से, और दाखिला होगा सिर्फ महरमों का, घर के अंदर जो है वो ना महरम तो नहीं आएगा। ये मैं आगे बयान कर रहा हूं। وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ مِنْ فُرُوجِهِنَّ, और कह दीजिए मोमिन औरतों से भी कि वो भी अपनी निगाहें झुका कर रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, महरमों से पर्दा क्या है, महरमों से उसका नाम सत्र है, औरत का पूरा जिस्म सत्र है सिवाय चेहरे की टिकिया और ये हाथ और ये पांव, बस। क्या मतलब है, भाई भी नहीं देख सकता बहन के जिस्म का कोई और हिस्सा, बाप भी नहीं देख सकता बेटी के जिस्म का कोई हिस्सा, ये सत्र है, सत्र सत्र महरमों से पर्दा है। ये भी घर के अंदर की बात हो रही है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं जलबाब होता था जब घर से बाहर निकलती थी औरत तो वो अपनी चादर लपेटती थी, अपने चेहरा नहीं ढांपती थी, सिर्फ चेहरे का हुक्म दिया गया उसके जुम्मन में, वो सूरह आज़ाब की आयत रह गई तो मैं बयान करूंगा। और खिमार उठनी होती थी जो घर में उठती थी, घर में जाहिर बात है कि जलबाब तो नहीं लिया जा सकता, आखिर घर का कामकाज करना है, हल्की सी ओढ़नी वो घर में। लेकिन फरमाया वल यदरिबना बेखुमरहिन्ना अला जुयूबहिन्ना, और उन्हें चाहिए कि अपनी ओढ़ियों के बुक्कल, ओढ़नियों के अपने सीनों के ऊपर, गरीबानों के ऊपर भी मार लिया करें। अब इसके बाद फरमाया वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबूलतहिन्ना, अब यहां ये ज़ीनत का लफ्ज आ रहा है चेहरे के, और चेहरे ही में कुछ सिंगार भी होता है। अब इनके लिए कहा गया कि चेहरे की जीनत, तो चेहरे के ऊपर अगर कोई बनाओ सिंगार है, जेवर है, तो उसकी जीनत न जाहिर करें, मगर अब ये यहां तफसीली आई है जो महरम है उनकी तफसील। तो फरमाया किन के सामने जाहिर कर सकती है, इल्ला ले बरूलते हिन्ना, सबसे बढ़कर तो शौहर, और आबाए हिन्ना, और आपने बाप, अच्छा बापों में नोट की दी, बाप हकीकी हो, अखियाफी हो, अल्लाती हो या रजाई हो, ये चारों किस्म के बाप इसमें शामिल। इस औरत ने दूध पिलाया था, उसका शौहर भी बाप बन गया। ओ आबाए बऊलत हिन्ना, अपने शौहरों के बाप, या अपनाए हिन्ना, उनके अपने बेटे, बेटों में भी आएंगे चारों, अल्लाती, अखियाफी, ऐनी और रजाई। अब अपनाए बऊलत हिन्ना, और अपने शौहरों के बेटे, हो सकता है शौहरों की और बीवियां भी हो तो उनके बेटे भी, जो सुतेले बेटे हैं वो भी महरम, उनसे किसी शक्ल में कभी शादी नहीं हो सकती। और इख्वान हिन्ना, या उनके भाई, औ अपनाए हिन्ना, या अपने बेटे, और अपनाए बऊलत हिन्ना, या अपने शौहरों के बेटे, और इख्वान हिन्ना, या अपने भाई, और बनी इख्वान हिन्ना, या अपने भाइयों के बेटे, और बनी अखवात हिन्ना, अपना भतीजा, अपना भतीजा, शौहर का भतीजा नहीं, अपना भतीजा महरम है, अपना भांजा महरम है, शौहर का भांजा महरम नहीं है। और निसाए हिन्ना, या उनकी औरतें, अपनी औरतें, जान पहचान की औरतें, और मां मलकत ऐमानुहुन्ना, या जो उनके दाहने हाथों की मिल्कियत है, बांदियां गुलाम, इसमें मैं अर्ज कर चुका हूं कि इसमें काफी इख्तलाफात हैं। यह भी है कि इससे मुराद सिर्फ बांदियां हैं, गुलाम मर्द हैं, यह भी है कि मर्द भी है, और यह भी है कि मर्द जब तक कि वो बांदी हुआ, लेकिन मैं इस बहस में यहां नहीं जाना चाहता, यह फिर फिका की बहस हो जाएगी।
अवितबीईन गैर उलिल इरबा, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, कोई किसी के घर में तो अंधा आदमी रह रहा है या कोई और किसी वजह से वो मरीज है, उसे आपने बना दे रखी है, उन्हें औरतों से कोई सरोकार नहीं होता। अभी तिफली लदीन लम यज़रूर औरा के निसा, या वो बच्चे के जिन पर अभी औरतों के पोशीदा हालात वाजे ही नहीं है, पता ही नहीं है उन्हें, अभी उन्हें जिन्स का कोई एहसास ही नहीं। ये है फहरिस्त जो दी गई है कि जिनके सामने औरत खुले चेहरे के साथ और अपनी जो इजाफी जीनत भी हो, कोई जेवर वगैरह या कोई भी सुरमा वगैरह डाला हुआ है या कोई सुर्खी कोई लगाई है मामूली सी, उसके साथ आ सकती है। और ये वो रिश्ते हैं कि जिनसे किसी हालत में भी निकाह नहीं किया। आगे सुनिए, वला यदरिबना बिअर्जुल हिन्ना लियुलमा मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, और चलते हुए अपने पांव जोर से ना मारे कि उनकी जीनत जाहिर हो जाए। अगर कोई पाजेब पहनी हुई है, कोई झुंझुनू वगैरह है, तो अब अगर पांव मारकर चलेगी तो खाम खा जहन जाएगा बैठे हुए का कि तू हाथ में जा रही। यहां तक इसके अलावा यह भी है, तातुर के बारे में फरमाया है कि अगर इतर लगाकर कोई औरत घर से निकली है, इज़स्तारत अल-मरा तो फमरत अल-क़ौम लियजदू रीहा वही कजा व कजा काला कौल शदीदा। इस अबू दाऊद की रिवायत है, हुज़ूर ने फरमाया जब कोई औरत इत्र लगाकर खुशबू लगाकर निकलती है कि लोग उसकी खुशबू सूंघे या उसको ऊपर मुतला हो जाए, तो ऐसी है ऐसी है। बहुत सख्त अल्फाज हुज़ूर ने इस्तेमाल किए कि जिसको रावी ने नकल नहीं किया। औरत के लिए खुशबू, औरत की आवाज, आवाज का पर्दा है। अब देखिए किस हद तक नमाज में उस वक्त औरतें भी शरीक होती थी, अगर के हुजूर ने फरमाया मर्दों की सफ बेहतरीन सबसे आगे वाली है और सबसे बुरी सफ सबसे पीछे है, क्योंकि उसके पीछे फिर औरतों की सफ होती थी, और औरतों के लिए सबसे अच्छी सफ सबसे पिछली वाली है और सबसे बुरी सबसे आगे वाली है। सबसे आगे वालों के सामने फिर मर्द होते थे, उनकी पुश्त होती थी। तो इसी तरीके से अगर गलती की है तो मर्द जो है कहेगा सुभान अल्लाह, इमाम से गलती हो गई है, मर्द क्या कहेगा सुभान अल्लाह। औरत क्या करेगी, अपने एक हाथ के पुश्त पर अपना हाथ मारेगी, अपनी आवाज नहीं निकाल ली, आवाज का पर्दा, छूने का पर्दा। यहां तक है कि हुजूर ने कभी किसी औरत से हाथ नहीं मिलाया, और आप जब बैठ भी लेते थे तो बस जबानी अल्फाज कहलवाए और कहा ठीक है बैठ हो गई, या एक कपड़ा पकड़ा उसका एक सिरा अपने हाथ में दूसरा सिरा उस खातून के हाथ में, या एक तश्त के अंदर पानी भरा उसमें एक तरफ उसने उंगलियां डाल ली और एक तरफ हुजूर की। लेकिन मुसाफिर ला उसाफिर निसा, एक दफा हुआ भी कि बाज खवातीन ने जब बैठ की है तो फिर उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया मुसाफे के लिए, हुजूर ने फरमाया इन्नी ला उसाफिर निसा, मैं औरतों से मुसाफा नहीं करता। अपनी बेटियों से और अपनी बीवियों से और मुसलमानों की खवातीन से। अब देखिए ये सूरह अहज़ाब ही में हो रहा है, शुरू में या निसान नबी से बात करें, इस्तीज़ान भी सिर्फ नबी के घर में दाखिल ना हो इसके बगैर, आगे चलकर सूरह अज़ाब ही में आम भी कर दिया, कुल अज़वाजे का व बनाते का व निसाइल मोमिनीन, कह दीजिए अपनी बीवियों से अपनी बेटियों से और अहले ईमान की ख़वातीन से, युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, कि वो अपने चेहरों के ऊपर अपनी जिलबाब को लटका लिया करें, चेहरा छुप जाए। अब उसकी तफसीर मैं चाहता हूं कि आपको जो मुख्तलिफ मुफस्सरीन ने की है वो आपके सामने मैं रखूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने इस आयत की जो वजाहत फरमाई है उसे हाफिज इब्ने कसीर ने अपनी तफसीर में इस तरह नकल किया है, अल्लाह ने मुसलमान औरतों को हुक्म दिया है कि जब वो किसी काम के लिए घरों से निकले तो अपनी चादरों के पल्लू ऊपर से डालकर अपना मुंह छुपा ले और सिर्फ एक आंख खोली रखे, दोनों आंखें भी गलत है। और सुन लीजिए,
इब्ने जरीर और इब्ने मुंजिर की रिवायत है कि मोहम्मद बिन सीरीन ये ताबई हैं, ने हजरत उबैदा और सलमानी ये सहाबी हैं से इस आयत का मतलब पूछा। उन्होंने जवाब में कुछ कहने की बजाय अपनी चादर को इस तरह ओढ़ा कि पूरा सर और पेशानी और पूरा मुंह ढांक कर सिर्फ एक आंख खोली रखी। और सुनिए, अबू बकर बिन अब्दुल्ला इब्न अरबी ने युद्दीन अलैहिन्न मिन जलाबी भी हिन्न का मफहूम इन अल्फाज में बयान किया है, तगत्ता बिही वजहा हत्ता ला यज़हर मिन्हा इल्ला ऐनुहा यस्रा। औरत अपनी चादर को पूरे वजूद पर ढांप ले और इस तरह चेहरे को भी ढांपे कि सिर्फ बाई आंख खुली रहे। अल्लामा हमीदुद्दीन फराही को नज़्मे कुरान के फहम में खुसूसी मकाम हासिल था। उन्होंने हिजाब के बारे में अपने एक मकतूब में हाथ और चेहरा खुला रखने को जायज करार देने के मौकिफ के बारे में लिखा है कि मेरी राय में नज़्मे कुरान पर तवज्जो न करने से यह गलत फहमी पैदा हुई है। वही बात कि सूरह अज़ाब में घर से बाहर का पर्दा है और सूरह नूर में घर के अंदर का पर्दा है। बहरहाल अल-हक तो अहक तो बेअन युत्तबा, हक जो है वो इसका ज्यादा हकदार है कि उसकी पैरवी की जाए। मैं इस मसले पर मुतमईन हूं और मेरे नजदीक अजनबी से पूरा पर्दा करना वाजिब है और कुरान ने यही हिजाब वाजिब किया है जो शुरफा में मुरव्वज है बल्कि इससे भी कदर ज़ाइद। मौलाना फराही का यह मकतूब माहनामा हयात नौ बलेरियागंज इंडिया के अक्टूबर 1992 के शुमारे में शाये हुआ। ये है उलमा की राय। हजरत उम्मे सलमा और हजरत मैमूना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी थी। इतने में हजरत इब्ने उम्मे मक्तूम आ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों से फरमाया, एहतजबा मिन हो, इनसे पर्दा करो। अज़वाज ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, अलैसा आमा ला युबसिरुना वला यारिफुना, हुज़ूर क्या ये अंधे नहीं है, ये ना हमें देख रहे हैं ना हमें पहचानते हैं। फरमाया, अफअमदा याने अंतुमा, क्या तुम दोनों भी अंधी हो। अला तुम सरा नहीं, क्या तुम नहीं देख रही उनको। हजरत उम्मे सलमा तस्री करती है, ज़ालिका बादा अन अमरल बिल हिजाब, ये जब हिजाब का हुक्म आ गया था तब हुजूर ने प्रिय हुक्म दिया। इसकी वजह क्या थी, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मखदूम का घर में आना जाना था। तो अगरचे अंधे हैं लेकिन यह कि यह बार बार का आना जाना उससे फितने का एक दरवाजा खुल सकता, उस दरवाजे को बंद कर दिया गया। हजरत आयशा के पास एक नाबीना आया तो उन्होंने उसे पर्दा किया। कहा गया कि आप इससे पर्दा क्यों करती हैं, ये तो आपको नहीं देख सकता। जवाब में हजरत उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, लाकिन्नी अंदरो इले, मैं तो उसे देख रही हूं ना, और मर्द को देखे। अलबत्ता ये कि आम हालात में आप बाजार में चल रहे हैं, औरत जा रही है, कोई बाहर निकलना पड़ा है, तो इस हालत में अगर वो मर्द को देखती है तो इसमें दर हकीकत वो फितना नहीं है कि जो घर में आने जाने वाले लोग। अब एक आखिरी मसला है, दो हदीसें ऐसी हैं जो मेरी गुफ्तगू के खिलाफ जाती हैं और मैं दयानत का तकाजा समझता हूं कि वो भी आपके सामने बयान कर। हुजूर के बारे में यह मालूम है कि दो खवातीन जो वैसे नामहरम थी वो उनके सामने आती रही और आप उनसे मिलते रहे। एक आपकी साली हजरत अस्मा, हजरत आयशा की बहन रजी अल्लाह ताला अन्हा, और एक आपकी चचाजाद बहन हजरत अली की बड़ी हमशीरा हजरत उम्मे हानी। ये मैं हदीस आपको सुना रहा हूं। बकसरत अहादीस से साबित है कि हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर आपके सामने होती थी और आखिर वक्त तक आपके और उनके दरमियान चेहरे और हाथों की हाथ तक की हद तक कोई पर्दा न था। हजरतुल वदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से सिर्फ चंद महीने पहले का वाकया है और इस वक्त भी तक भी यही हालत कायम रही। ये अबू दाऊद किताबुल हज। दूसरी रिवायत हजरत उम्मे हानी रजी अल्लाह तआला अन्हा, जो अबू तालिब की साहिबजादी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जदाद बहन थी, आखिरी वक्त तक हुजूर के सामने होती रही और कम से कम मुंह और चेहरे का पर्दा उन्होंने आपसे कभी नहीं किया। फतेह मक्का के मौके का एक वाकया वो खुद बयान करती हैं जिससे इसका सबूत मिलता है। ये अबू दाऊद की रिवायत। ये रिवायतें हैं, मैं इन्हें तस्लीम करता हूं।
और मैंने अब जो कुछ बयान किया है उससे ये एक बिल्कुल बरक्स बात सामने ला रही है। अब ये है कि या तो हम इन दो हदीसों को असल मानकर बाकी सारी हदीसें जो है उनको खत्म, मैं तो आपको सुना नहीं सका, मेरे पास तो बहुत ज्यादा हदीसों का मवाद था, चेहरे के पर्दे के लिए हदीसें, इस्तेज़ान के लिए कितनी हदीसें हैं, चेहरे के पर्दे के संबंध में बहुत ज्यादा हदीसें हैं। हजरत उम्मे खल्लाद एक खातून थी, उनका बेटा एक गजवे में शहीद हो गया, वो उसके बारे में कुछ पूछने के लिए हुजूर के पास आई, सहाबा बैठे हुए थे, उन्होंने नकाब डाला हुआ था, मुंतकिबतुन, नकाब, नकाब का लफ्ज भी हदीस में मौजूद, और ये लोग कहते हैं नकाब तो जो है ये बाज की पैदावार है, ये लफ्ज कोई है ही नहीं, हिजाब का लफ्ज कुरान में है, जलबाब का लफ्ज कुरान में है, खिमार का जिक्र कुरान में है, और ये मुंतकिबतुन नकाब डाली, लोगों ने कहा अजीब औरत है ये, इसका बच्चा शहीद हो गया है, मतलब यह कि सख्त सदमे की कैफियत है, और ये इस वक्त भी इसने नकाब डाली हुई है। तो उन्होंने जवाब दिया इन अर्ज़ाओ इब्नी ला अर्ज़ाओ हयाई, मैंने बेटा खोया है अपनी हया नहीं खोई है। रब रब कर दे बुढ़े हो गए अते मुल्ला पंडित सारे, रब दा खोज खुराना लब्बा अते ना कीते बई नजारे।